नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। श्री श्री रविशंकर के विश्व सांस्कृतिक महोत्सव पर राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस, जदयू और माकपा के सदस्यों ने विश्व सांस्कृतिक महोत्सव को स्थगित करने की मांग को लेकर बुधवार को राज्यसभा में भारी हंगामा किया। जदयू के नेता शरद यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर दिल्ली में यमुना नदी के किनारे 1000 एकड़ में विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को खतरा है। यादव ने कहा कि इस आयोजन के लिए अनुमति भी नहीं ली गई है और निजी आयोजन के लिए निर्माण कार्य में फौज का उपयोग भी किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि किस दबाव में यह आयोजन किया जा रहा है। विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी कार्यक्रम को लेकर आपत्ति जताई। दूसरी ओर श्री रविशंकर ने राजनीतिक दलों से इस पर राजनीति नहीं करने तथा सभी से सहयोग करने की अपील की है। श्री ने ट्विटर पर कहा कि यह महोत्सव सभी देशों, धर्मों, संस्कृति और विचारधाराओं को जोड़ने वाला है। उन्होंने इसमें सभी के सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आइए इससे जुड़िए। जिंदा है इराक में बंधक बनाए गए भारतीय, सुषमा स्वराज ने कहा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को कहा कि इराक में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए पंजाब के युवक अभी जीवित हैं और उनकी रिहाई के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीमती स्वराज ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि आतंकवादियों के चंगुल से छूट कर आए युवक की बात सच नहीं है कि उनके बाकी साथियों को मार दिया गया है। अगर ऐसा होता तो उन्हें संसद में स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होता। करीब 3 महीने पहले 15 अरब देशों के विदेश मंत्रियों की भारतीय अधिकारियों के साथ मनामा में बैठक हुई थी, जिसमें दो देशों ने माना कि आतंकवादियों के कब्जे में मौजूद भारतीय जिंदा हैं, उन्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। रियल लाइफ में भी खलनायक है अनुपम खेर, महंत आदित्यनाथ ने कहा। भाजपा नेता महंत आदित्यनाथ ने फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के उन्हें जेल में डालने वाले बयान पर पलटवार करते हुए बुधवार को दिल्ली में कहा कि मैं उनकी सद्भावना के लिए उन्हें धन्यवाद दूंगा, लेकिन एक बात और सच है कि अनुपम खेर ने साबित कर दिया है कि वह रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी खलनायक है। भाजपा सांसद किरण खेर के पति अभिनेता अनुपम खेर ने असहिष्णुता पर कोलकाता में हुई एक बहस में कहा था कि योगी और साध्वी जैसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, पर पूरे देश को असहिष्णु कहना गलत है। पुडुचेरी में सूर्य ग्रहण देखने के लिए उमड़े लोग। सूर्य ग्रहण का नजारा देखने के लिए पुडुचेरी समुद्र तट पर बुधवार तड़के ही हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुडुचेरी प्रशासन के विज्ञान, टेक्नोलॉजी एवं पर्यावरण विभाग सहित पुडुचेरी साइंस फोरम ने समुद्र तट पर गांधी प्रतिमा के पास सूर्य ग्रहण के मौके पर आवश्यक इंतजाम किए थे। फोरम की ओर से सूर्य ग्रहण देखने के लिए चश्मे भी उपलब्ध कराए गए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।